द रिपोर्टर डिजायर टू नो। भारत में बेरोजगारी कम हुई। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर। फिलहाल देश में चुनाव का माहौल है। आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में फिर वो चाहे विकास का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, इसमें फिर से एक बार आप सब तरफ अब इन सब चीजों की चर्चाएं चल रही है। अब ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है जो बता रही है कि भारत में 2021 मार्च 2021 के हिसाब से फिलहाल जनवरी 2022 में बेरोजगारी रेट जो है वो घटते हुए दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन का असर कई क्षेत्रों में दिखा, फिर वो चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो या फिर वो टूरिज्म सेक्टर हो। काफी कंपनियां भी बंद पड़ गई थी जिसके कारण बेरोजगारी रेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब से जिंदगी आम जिंदगी बढ़ती पे आ रही है, तब से धीरे धीरे रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है CMRE, उनके तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया है जहाँ पे ये साफ किया गया है कि जो भारत का जनवरी 2022 का बेरोजगारी रेट है वो मार्च 2021 के हिसाब से अब तक का सबसे कम रेट मापा गया है। मार्च 2021 के बाद जनवरी 2022 में जो बेरोजगारी दर था वो सबसे कम पाया है। अगर मैं आपको ग्रामीण और शहरी इलाकों के हिसाब से बताऊं तो शहरी इलाकों में फिलहाल 8.8% के करीब बेरोजगारी दर है, तो वही बेरोजगारी दर जो गांव में पाया गया वो 5.5% के अराउंड है और कुल जो दर है वो 6.57% के अराउंड पाया गया। लेकिन अगर यही बात की जाए दिसंबर 2021 की, तो दिसंबर 2021 में जो कुल बेरोजगारी दर था वो 7 के करीब था और ग्रामीण इलाकों में भी 7 के करीब ही था, लेकिन शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर भी 9.5 के पास पहुंच गया था। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो जनवरी में सबसे कम जो बेरोजगारी है वो तेलंगाना में देखी गई, वो थी 0.7% के अराउंड। उसके बाद आता है गुजरात 1.2% के अराउंड, उसके बाद मेघालय 1.5% और बाद में उड़ीसा 1.8% के अराउंड। हरियाणा की बात करें तो ये आंकड़ा 1 से बढ़ के सीधा 23.4% के अराउंड हरियाणा में बेरोजगारी पाई है। CMRE ने दिसंबर 2021 में एक अनुमान लगाया था कि तकरीबन 5.3 करोड़ जो जनता है वो बेरोजगार है, जिनमें से बड़ा वर्ग है वो महिलाओं का। 3.5 करोड़ जो सक्रिय रूप से काम ढूंढ रहे थे लोग, और उनमें से 80 लाख केवल महिलाओं की ही थी। एक तरफ कहा जा रहा है कि बेरोजगारी कम हुई, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा बेरोजगारी के मुद्दे पर कि फिलहाल देश में पिछले 1 साल में देश में 3 करोड़ जो युवा है वो रोजगार से वंचित है और पिछले 50 साल में ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही है। आगे भी ऐसे खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। The reporter desires to know.